तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं या आप 2-3 ईयर्स के पास आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी भी एज से बिलोंग करते हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कंप्लीट है, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई डोंट वरी, अगर आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हो तो भी आपको जॉब मिल सकती है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी 12th पास हो पर कोई अच्छा कोर्स करा हुआ है तो आपको जॉब मिल सकती है, अगर आपकी सिर्फ 12th पास हुई और आपके पास अच्छे स्किल हैं तो भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। यस, बिल्कुल सही सुना है आपने, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हर एक कैंडिडेट को जॉब मिल सकती है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो वीडियो को एडवांस में लाइक जरूर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली फ्रेशर कैंडिडेट के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि यहां पे बहुत बार क्या होता है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो पर्सन उस जॉब को अप्लाई करता है जहां पे एक्सपीरियंस की डिमांड 0-5 होता है, तो फ्रेशर कैंडिडेट वहां पे अप्लाई करने के बाद भी जॉब नहीं ले पाते, वहां पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो ओवरशैडो हो जाते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। तो इस चीज को कंसीडर करते हुए यहां पे जो वीडियो है, यहां पे जो जॉब है, आपको जॉब अप्लाई करने से नहीं मिलेगी, आपको कॉम्पिटिशन जीतने से मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने, यहां पे रिलायबल अनअकैडमी का एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट कॉम्पिटिशन, जॉब कॉम्पिटिशन भी कह सकते हो आप, ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहां पे आप पार्टिसिपेट करके जॉब ले सकते हो। जॉब किस किस फील्ड के अंदर है, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, कौन सी कंपनी है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में अंदर बताने वाला हूं और अप्लाई लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो यहां पे पर्टिकुलर 3 पोजीशन पे कॉम्पिटिशन हो रहा है और इन्हीं पर्टिकुलर पोजीशन पे, इन्हीं पर्टिकुलर टाइटल पे आपको जॉब मिलेगी, जिसके अंदर पहला आपका आता है बिजनेस डेवलपमेंट। यहां पे हर एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, किसी भी फील्ड में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। सेकेंड आपका आता है बैकएंड, थर्ड वन आता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर। तो सेकंड और थर्ड कंपटीशन है, यहाँ पे आईटी सेक्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्किल की डिमांड करी गई है वो आईटी सेक्टर से करी गई है। तो मतलब अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सेकंड एंड थर्ड कंपटीशन बेस्ट रहेगा, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट नहीं है, आपकी 12th कंप्लीट है, आप कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, डेफिनेटली आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूं कंपनीज की तो 50+ कंपनीज ने यहां पे पार्टिसिपेट किया है और 300+ जॉब अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी जॉब होने वाली है और हर एक कैंडिडेट के लिए होने वाली है जो यहां पे अप्लाई करता है। अगर बात करें सैलरी पैकेज की तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो मैक्सिमम सैलरी पैकेज है वो है 10 लाख पर एनम, अगर मैं फ्रंट एंड बैक एंड के लिए बात करूं तो वहां पे है 15 लाख रुपए पर एनम। तो यहां पे से ये चीज तो होती है कि अगर ये फ्रेशर के लिए है तो यहां पे कम सैलरी नहीं दी जा रही, यहां पे आप 15 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं ऐसे फ्रेशर, तो काफी अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा और तो विनर को यहां पे मिलेगी जॉब। क्या प्रोसीजर है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उससे पहले 2-3 प्लस पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूं इसके क्या है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहला प्लस पॉइंट आता है कि इस पर्टिकुलर कंपटीशन में आपकी डिग्री को और आपके एक्सपीरियंस को वैल्यू नहीं दी गई, अगर आपके पास स्किल सेट है और आप डिजर्व करते हो एक जॉब को तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट कहते हैं कि यार मुझे नॉलेज है पर स्टिल मुझे जॉब नहीं मिल रही, पर अगर आप यहां पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, आपको नॉलेज है, आप कंपटीशन जीतते हो तो डेफिनेटली आपको यहां पे जॉब मिलेगी, आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे फ्रेशर को ओवरशैडो नहीं होना पड़ेगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी वही कंपटीशन देगा, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी वही कंपटीशन देगा, लेवल ऑफ कंपटीशन हर किसी के लिए इक्वल रहेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किसी भी स्टेट से, इंडिया के किसी भी विलेज से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपका स्टडी बैकग्राउंड हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई एज की यहाँ पे लिमिट भी नहीं रखी गई है। ये 3 बहुत स्पेशल प्लस पॉइंट है जिनको सुन के आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कॉम्पिटिशन की डिटेल से पहले क्लियर कर देता हूँ, ये कॉम्पिटिशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। यस, बिल्कुल आपने ठीक सुना, आई नो वेरी वेल यार पेंडेमिक की सिचुएशन है, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये नहीं है कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी पार्टिसिपेट कर है, जो आप यहां पे टेस्ट दोगे, जो भी प्रोसीजर होगा, तो जो भी आपके ऑपरेशन कॉस्ट आएगी उसके लिए कंपनी आपसे मिनिमम चार्ज ले रही है, जो आपका रहेगा 1799 रुपए। इसका जो चार्ज है वो 2000 रुपए, पर अगर आप JVR10 कोड यहां पे डालते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आपको 1799 ही पे करना रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे यार क्यों पे करना है, कंपनी जॉब दे रही है हमसे ले रही है, तो यहाँ पे इसके मेन रीजन में यही कहूँगा कि यहाँ पे कंपनी भी चाहती है कि वही पर्सन यहाँ पे अप्लाई करें जो अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके रियल में इंटरेस्टेड हैं, वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन रहे कंपनीज को जो फायदा मिले उनको स्किल्ड कैंडिडेट मिले और कैंडिडेट को जो फायदा मिले उसको यहाँ पे अपने करियर प्रोस्पेक्टिव से डायरेक्ट एंट्री मिले। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मुझे यहाँ पे लगता है अगर छोटा मोटा चार्ज आपको कंपटीशन में बैठने के लिए पे करना पड़े तो
डेफिनेटली आपको पिक करना चाहिए। क्योंकि यार जब हम गवर्नमेंट जॉब की अपडेट देते हैं, आपने सुना होगा अगर आप एसएससी की जॉब की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप 100 रुपीज का फॉर्म फिल करते हो। अगर आप बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 600-700 रुपये का फॉर्म करते हो। कैट का एग्ज़ाम हो गया आपका, गेट का एग्ज़ाम हो गया, तो इन सब के भी फॉर्म की कॉस्ट होती है। तो सेम जस्ट सिमिलर इसी तरीके से एक फॉर्म की कॉस्ट है, आप इसे रजिस्टर करिए, अप्लाई करिए। अनअकैडमी जैसा ब्रांड आपके साथ है तो 100% ट्रस्टेबल है, और अगर आप फुलफिल कर लेते हो, यहाँ पे कंपटीशन जीत जाते हो, तो डेफिनेटली और डायरेक्टली आपको जॉब मिल सकती है। तो आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है कंपटीशन का। तो जो कंपटीशन की डेडलाइन है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है, वो है आपकी 22 जून। तो 22 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नीचे आपको यूआरएल लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आपका प्री लेवल का एग्जाम होगा, देन आपका एडवांस लेवल का एग्जाम होगा, देन आपका रिजल्ट आएगा, देन आपको जॉब मिल जाएगी। तो 4 स्टेप यहाँ पे रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे बात करते हैं जो प्री लेवल का आपका एग्जाम रहेगा। तो प्री लेवल का एग्जाम आपका 26 और 27 को होगा। इसके बाद आपका एडवांस लेवल का एग्जाम होगा जो स्टार्ट होगा 29 को और खत्म होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को आपका एडवांस खत्म हो जाएगा, 6 जुलाई को आपको रिजल्ट मिलेगा, 7 जुलाई की आपकी इंटरव्यू वाला पार्ट, मतलब आपका जो हायरिंग वाला पार्ट है, आपको जॉब मिलने वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितनी फास्ट ट्रैक पे आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है 5-6 महीने आपको वेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ क्लियर होगी, आपको जॉब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप 1 बाय 1 डिस्कस कर लेता हूँ कि किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। चूंकि 3 एग्जाम है, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया और बैक एंड डेवलपर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो तीनों एग्जाम के लिए सेम सिमिलर रहेगा, और यहाँ पे एग्जाम ओवरलैप हो सकता है। तो आप तीनों एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको कोई एक एग्जाम में ही, मतलब कोई एक कॉम्पिटिशन में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 तीनों के डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं बिजनेस डेवलपमेंट की बात करता हूँ, जो स्टार्ट होगा 26 को, सेम 27 को ओवर हो जाएगा, उसके बाद 29 टू 4 चलेगा, मतलब सबका टाइमिंग लाइन सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो आपका प्री होगा, प्री के अंदर आपके 3 टेस्ट होंगे मेजरली। 3 टेस्ट के अंदर आपका पहला होगा एप्टीट्यूड चैलेंज, सेकंड आपका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज, और थर्ड वन आपका होगा पिच परफेक्ट चैलेंज। तो ये तीनों आपके यहाँ पे टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे, और यहाँ पे टोटल जो कट ऑफ है वो 25% रखिए। जैसे आप ये क्लियर करते हो आप एडवांस लेवल में चले जाओगे, जहां पे आपके 2 एग्जाम होंगे। फर्स्ट वन आपका होगा बीट द मास्टर चैलेंज, सेकंड वन आपका यहाँ पे होगा कस्टमर एम्पैथी चैलेंज। तो इन दोनों एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपको 6 तारीख को फाइनल रिजल्ट मिलेगा, और 7 तारीख को 50+ कंपनीज में 300+ जॉब, 10 लाख की सैलरी का आपका वेट कर रही होगी। तो अगर हम सेकंड एग्जाम की बात करते हैं, सेकंड कंपटीशन की बात करते हैं, जो आपका रहेगा फ्रंट एंड डेवलपर का, यहां का भी प्रोसीजर सेम है, प्री लेवल, एडवांस लेवल, देन रिजल्ट, देन आपका जॉब। तो यहाँ पे प्री लेवल में आपके 3 एग्जाम होंगे, एप्टीट्यूड चैलेंज होगा, सेकंड आपका होगा कैन यू कोड चैलेंज होगा, थर्ड वन आपका होगा वेब ऐप चैलेंज। तीनों आप कंप्लीट करते हैं 25% रहती है, आप एडवांस के लिए ट्रांसफर हो जाओगे। एडवांस में आपके होने वाले हैं 2 टेस्ट, जिसके अंदर आपका होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, एंड नेक्स्ट वन होगा आपका टीम प्लेयर चैलेंज। ये अगर आप एडवांस भी क्लियर करते हो, जिसकी परसेंटेज रहेगी 75, अगर आप क्लियर करते हो तो 6 तारीख को रिजल्ट आएगा, 7 तारीख को आपको जॉब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 50+ कंपनी है, काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसी है, और यहाँ पे सैलरी पैकेज है 15 लाख रुपए तक का। लास्ट वन आपका रहेगा बैकएंड डेवलपर का, सेम प्रोसीजर, प्री के अंदर आपके 3 टेस्ट हो गए, जिसके अंदर एप्टीट्यूड चैलेंज होगा, कैन यू कोड चैलेंज होगा, और आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रेलिवेंट चैलेंज भी होगा। ये आप क्लियर करते हो 25% रहते, आप एडवांस में चले जाओगे, जहां पे आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल चैलेंज होगा और टीम प्लेयर चैलेंज होगा, जहां पे कट ऑफ आपकी 75% रखी जाएगी। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, यार इनके कोर्सेज क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? तो डोंट वरी, इनके कोर्सेज के रिलेटेड और फुल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे बेसिक स्क्रीनशॉट शेयर कर दी हैं, सब चीज़ें आपसे डिलीवर कर रहा था, साथ में नीचे मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप PDF से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा कि क्या कोर्सेज हैं, किस तरीके से जो मैंने आपको बताया है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। JVR10 कोड डालना बिल्कुल ना भूलें, और अपने करियर में थोड़े से पैसे खर्च करें, अपने स्किल सेट को इंप्रूव करें और जल्दी से जल्दी जॉब लें। अगर इस चीज़ को आपको लग रहा है 1799 रुपये दें और कंपनी में 15 लाख की जॉब लेगी, तो ऐसा नहीं है। 1799 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जिससे सिलेक्टेड और अच्छे कैंडिडेट जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पे आए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, जल्दी से जल्दी जॉब लें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, फिर भी कोई डाउट है, तो डोंट वरी, नीचे कमेंट सेक्शन है, मुझे बिंदास कमेंट करें, मेरी टीम आपको कमेंट के जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेगी। और इसी तरह मैं बहुत बेहतरीन ट्राई करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ही जॉब की अपडेट आपके लिए लेके आता रहूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जॉब के अपडेट के साथ। जय हिंद।